इंक्रीमेंट लगाना, बरतरफ मुलाजमीन बहाल हुए, एपका मुलाजमीन फिर सड़कों पर, सेक्रेटेरिएट चौक में धरना दे दिया, खवातीन मुलाजमीन भी पेश पेश, मुलाजमीन की बरतरफी नामंजूर के नारे, तनख्वाहों में इजाफे और बरतरफ मुलाजमीन की बहाली का मुतालबा। एहतजाज और धरने के बाद सेक्रेटेरिएट के आसपास गाड़ियों का पहिया जैम, नासिर बाग के सामने ट्रैफिक जाम, गाड़ियों की कतारें लग गई, शहरियों को मुश्किलात। क्लर्क सड़कों पर, पीएमएस अफसरान दफातर में सराफा एहतजाज, सिविल सर्विस रिफॉर्म्स में नुमाइंदगी ना मिलने पर साथ में रोज भी एहतजाज, बाजुओं पर स्याह पट्टियां बांधकर अमूर निपटाने लगे। आवाम के लिए खुशखबरी, एक और मेगा मंसूबा मुकम्मल, शौकत खानम फ्लाईओवर को आम ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया, मंसूबा 8 माह 19 दिन में मुकम्मल हुआ, 92 करोड़ रुपए लागत आई, मंसूबे को 3 माह में मुकम्मल किया जाना था, फंड्स के इजरा में ताखीर और गैर यकीनी सूरत हाल के बायस ताखीर हुई। चीफ जस्टिस अनवारुल हक का तारीखी इकदाम, चीफ जस्टिस हाई कोर्ट 9 नवंबर को फैमिली कोर्ट का इफ्तिताह करेंगे, लाहौर में शाम को लगने वाली पहली फैमिली अदालत के इफ्तिताह की तैयारियां मुकम्मल। एहतजाज के दौरान अवामी अमला के नुकसान के अजाले के लिए दरख्वास्त दायर, हाई कोर्ट ने दरख्वास्त के काबिल समाअत होने से मुतालिक फैसला महफूज कर लिया, अदालत पर बोझ न डाले, हुकूमत और मुतलका इदारों को भी काम करने दें, जस्टिस आतिर महमूद के रिमार्क्स। सूबाई वजीर मियां असलम इकबाल की सब्जाजार में खुली कचहरी, मियां असलम इकबाल ने शहरियों के मसाइल सुने, जल्द हल की यकीन दहानी। सेनेट जिमनी इलेक्शन मैदान 15 नवंबर को सजेगा, सियासी जोड़ तोड़ जारी, पीटीआई के नाराज अराकीन की जानिब से बाजी पलटने का इम्कान, आम इंतखाबात के बाद जनूबी पंजाब के अराकीन की जानिब से तहफ्फुज़ात सामने आने लगे, नून लीग को नाराज अराकीन के वोट मिलने का इम्कान। रेल कार न हवाई जहाज, अब बस पर चीन जाए, लाहौर से बस पर चीन के शहर काशगर तक का सफर, चीन जाने के ख्वाहिशमंद शहरियों के लिए पाक चीन दोस्ती बस सर्विस का आगाज, गुलबर्ग से पहली बस मुसाफिरों को लेकर चीन रवाना, इस्लामाबाद, मानसहरा, बशाम और चलास में खाने और चाय का वक्फा होगा, जबकि गिलगित में रात का कयाम होगा। डेफ्ट की सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में हुकूमत से तआवुन की पेशकश, सीनियर वजीर अब्दुल अलीम खान से डेफ्ट के दो रुकनी वफद की मुलाकात, अब्दुल अलीम खान का कहना है कि नए बल्दियाती निजाम में तेज तर तरक्की होगी। अतायत के खिलाफ जिले इंतजामिया का एक्शन, रावी टाउन में कार्रवाई, स्माइल डेंटल क्लिनिक घोड़े शाह सील कर दिया, अताई मोहम्मद नवाज गैर कानूनी तौर पर दांतों का इलाज करता था, रिपोर्ट हेल्थ केयर कमीशन को इरसाल। लाहौर समेत सूबे भर में मर्द और खवातीन के लिए अलहदा पब्लिक टॉयलेट्स तामीर किए जाएं, मुतालबे की करारदाद पंजाब असम्बली में जमा। ऐवान इकबाल में अमीरुद्दीन मेडिकल कॉलेज और पीजीएमआई का कॉन्वोकेशन, होनहार तलबा को मेडल्स और डिग्रियों से नवाजा गया, सूबाई वजीर सेहत यास्मीन राशिद ने तलबा में डिग्रियां तकसीम की, यास्मीन राशिद का कहना है कि आबादियों में इजाफे के बायस अस्पतालों में सहूलियात का फुकदान है। प्रोफेसर मोहम्मद तैयब ने गवर्नर हाउस की इमारत अमीरुद्दीन मेडिकल कॉलेज के कैंपस के लिए मांग ली, प्रिंसिपल प्रोफेसर मोहम्मद तैयब की पंजाब हुकूमत से बाज़ाब्ता दरख्वास्त, अस्पताल में पेड हाउस जॉब की सीटों में इजाफे का मुतालबा। स्कैंडल क्वीन मीरा के लिए नई मुश्किल, सेशन कोर्ट ने तकजीब निकास से मुतालिक अपील अदाकारा की अदम पैरवी पर खारिज कर दी। शहर गुल के मौसम में खुशगवार तब्दीली, वक्फे वक्फे से ठंडी हवाओं का राज, सूरज की मीठी तमाजत,
ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारा 26 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड, स्मॉग के बादल भी छट गए। और दाची फेस्टिवल अपनी तमाम तर चकाचौंध रौनकों के साथ इख्तिताम पसीर, किसी ने ज्वेलरी खरीदी तो किसी को पसंद आए रंग बरंगे मलबूसात, दस्तकारी की अशिया के स्टॉल्स पर भी रश रहा।